जी मैं गॉड ब्लेस यू थैंक यू मैं फिर से एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ और uh, प्रभु की स्तुति करता हूँ और सारे सी टीम के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ uh, प्रभु भला है और उन सारी सारे लोगों के लिए जो रोजाना हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ uh, हमारी सी uh, फैमिली के लिए विशेषता सारा गौरव परमेश्वर को हो और वो आप आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हो और इतना रोजाना प्रार्थना करना इतना लोगों के लिए बोझ लेकर खड़ा रहना बहुत बड़ी बात है सो so, फिर से एक बार मैं वचन में आगे जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा थोड़ा सा आज इस बात को मैं शेयर करूँ कि आ, आज मैं प्रार्थना कर रहा था आ, संदेश के लिए संदेश का बर्थडे है और मैं संदेश के लिए प्रार्थना कर रहा था और और मैं सोच रहा था उसके बारे में तो मैं सोचा कि आ, आ, मैं मैसेज कुछ आ, मेरे पास दो तीन मैसेज थे और मैंने मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आ, किस तरीके से मैं ये करूं बोलू क्योंकि प्रिपरेशन करना है शॉर्ट में मेरे को थोड़े में बात करना है अब बात कीजिए प्रभु और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरा ध्यान जो है आ, जो मैसेज है यानी संदेश जो नाम है उस संदेश के नाम की ओर मेरा ध्यान फिर से एक बार आज चला गया और मैं चाहता हूं कि ये आपके साथ मैं शेयर करूं और कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करता है और मैं चाहता हूँ कि एक वचन पढ़ने से पहले कि इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूं एक मिनट में कि अभी अविनाश भाई के परिवार ने उनके लड़के का नाम संदेश रख दिया और बाकी बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम संदेश रखते हैं और अच्छी बात है बाइबल के नाम है हमें रखना ही चाहिए लेकिन इस नाम में जो जो गंभीरता छुपी हुई है जो सीरियसनेस है मैं चाहता हूं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें और uh, मैं ये नहीं चाहता कि एकदम आप बहुत गंभीर होकर सुने लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके पीछे की जो गंभीरता है उसको आप सुने सो so, पिंकी uh, uh, हमारे लिए एक वचन को पढ़ेगी हिंदी में दो करिंथ तीसरा अध्याय दो तीन और चार वचन ओके सेकेंड करी हम लोग पढ़ेंगे हमारा पत्र तो तुम ही हो जो हमारे हृदय में लिखा गया है और जिसे सब लोग जानते तथा पढ़ते हैं तथा यह प्रकट करते हो कि मसीह का पत्र तुम हो जिनकी हमने देखभाल की और जो न, जो न तो राही से और न पत्थर की न तो शाही से न तो शाही से हा? पर परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से मानव हृदय पटल पर लिखा गया है यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस है संत पौलुस संत पौलुस इस बात को इस बात की गंभीरता को बताता है और वहां पर लोगों को कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है ये अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा उसने अः वहां पर जो एटमोस्फेयर हो गया था और वो वातावरण में वो लोगों को टीचिंग दे रहा है के लोगों को शिक्षा दे रहा है और वहां पर वो शिक्षा देते हुए उनको बता रहा है कि देखो वो कह रहा है कि जो बड़ापन है वो मैंने अपने आप को बड़ा नहीं कर रहा हूं मैं अपने आप को बहुत ग्रेट नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं जो भी हूं वो तुम्हारे लाइफ में मैंने जो किया है तुम्हारे जीवन में मैंने जो लाया है वही वही मैं हूं और मेरा जो लेटर है मेरा जो मैसेज है वो तुम हो और आगे कहता है कि तुम ही मैसेज हो तुम ही लेटर हो प्रेज़ोलॉग तो मैं यहां पर स्टडी कर रहा था कुछ चीजों की तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं आ, अंकल को और बाकी के लोगों को काफी लोगों को एक्सपीरियंस है आजकल तो आ, सारे लोग कम्युनिकेशन के लिए हम लोग व्हाट्सअप फेसबुक अलग 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 अलग, -अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं एक सेकंड में काम हो जाता है मेल्स है अलग अलग चीजें हैं फोन करते हैं लेकिन पुराने जमाने में जो लोगों तक मैसेज देने के लिए एक ही साधन था और एक ही चीज थी जो लोगों तक मैसेज जाता था और वो था पत्र वो था लेटर और लेटर के द्वारा ही मैसेज लोगों तक जा सकता था लेटर के द्वारा ही लोगों को या आपके जो दूरदेशी लोग हैं या अलग प्रांत में रहते हैं अलग शहर में रहते हैं अगर उनकी याद आ रही है आपको कुछ बात करना है आपको कुछ, कुछ कम्युनिकेट करना है तो पत्र के द्वारा ये सारी चीजें व्यवहार होता था जैसे हम जानते हैं स्पेशली कि अंतरदेशी पत्र था और एक पोस्ट कार्ड थे ऐसे दो लेटर चलते थे तो हम लोग जब उसके बारे में सोचते हैं तो उसके वो पत्र की जो गंभीरता है उसके बारे में अगर हम बात कर सोचते हैं तो अगर उससे जुड़ी कुछ बातें हमें पौलुस के जीवन में यानी पौलुस का जो उसके लोगों के प्रति यानी के प्रति जो गंभीरता है वो यहाँ पर पता चलती है रिजोलोर यानी पौलुस को जो कहना था पौलुस को जो बताना था वो किस तरीके से पता चलता है वो किस तरीके से पता चलता है अगर हम वो पत्र के जो प्रोसेस है या उसका जो कार्य भाग है उसका जो इस्तेमाल है अगर उसको हम थोड़ा स्टडी करें उससे उसके ऊपर थोड़ा हम 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 थोड़ा सा आ, सोचे तो हमें पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है रिजलॉट तो आ, पहले पहली बात सबसे पहली बात कि हम लोग देखते हैं कि जो पत्र था जो लेटर थे वो लेटर में लेटर के लिए एक मे, लेटर में एक मैसेज रहता था एक मैसेज रहता था तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि फिफ्थ जो गॉस्पल है वो हम है तो लेटर में जो सबसे पहली बात जो मैसेज रहता था तो वो वो जो मैसेज है वो मैसेज बहुत अच्छी बात है हम लोग अलग अलग चीजों से देते हैं कई लोग तो अलग अलग मीडिया के अलग अलग साधन है उससे मैसेज देते हैं कई लोग कंटिन्यूसली मैसेज पे मैसेज देते हैं बहुत अच्छी बात है मैं भी मैसेज देता हूँ हजारों हजारों बार मैसेज देने की प्रभु ने कृपा दी है मुझको और कई लोगों को प्रीच करता हूँ कई राष्ट्र में प्रीच किया हूँ कई देश में खेड़े गांव में जंगल में आदिवासी लोगों में अलग अलग जगह पे जाके प्रीचिंग करता हूँ किया हूँ और करता रहूंगा लेकिन यहाँ पर पौलोक जो कहता है जिस बात को वो प्रीचिंग के बारे में नहीं कहता है तो पौलोस कहता है कि तुम एक मैसेज हो लॉर्ड तुम एक हमारा घर शिफ्ट होने से पहले एक सोसाइटी में हम रहते थे और आ, आ, हम लोग वानोडी में आ, आजाद नगर में रहते थे और आजाद नगर में हम लोग जब आ, वहां का एक वॉचमैन था और वॉचमैन को वो वो वॉचमैन जो था वो बहुत बूढ़ा था और हमेशा मैं उससे आते जाते बात करता था थोड़ा सा हेल्प करता था फिर उसको तो थोड़ा फोड़ी वगैरह आ गई तो थोड़ा प्रार्थना किया थोड़ा क्रीम वगैरह लाके देता था उसको ऐसे थोड़े से अलग अलग, अलग चीजों से हम लोग थोड़ा हेल्प करते थे और हेल्प करते थे तो मैं प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूँ और जैसे में ये सब चीजें हम लोग करते थे प्रभु के गौरव के लिए और वो तो अपना जीवन का भाग है कोई अपने को की देने के लिए नहीं करते थे तो ऐसे करते थे और और जब हम जब अचानक शिफ्ट होने लगे लगे से निकलने लगे, वो आया और जोर जोर से रोने लगा जोर जोर से रोने लगा और मुझे कहने लगा कि मेरे बेटे के लिए मैं इतना नहीं रोया मैं आपके लिए रो, रो रहा हूं क्योंकि जो प्यार आपने दिया वो मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। तब मैंने उसको बोला देखो मैं कुछ नहीं हूं और मैं कुछ हो भी नहीं सकता हूँ ये जो भी प्यार है वो बाइबल में लिखा है ने जो बताया वो प्यार मैं आपको दे रहा हूं प्रीज़ो लौड़, प्रीज़ो लौड़। so, उसके मेरे लाइफ में मैंने देखा कि ऐसे कई अनुभव आए जो लोगों के जीवन में परमेश्वर इस्तेमाल करता गया लोगों को और उनके परिवार के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता गया और ये सारी चीजों के द्वारा कई साल के बाद जब मैं पलट के देखता हूँ तो परमेश्वर ने उनके जीवन को बहुत आई से ब्लेस्ड किया है आशीष किया और प्रभु की सेवा का ही कई लोग कर रहे हैं सो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि आ, आ, हम लोग डाइस प्लॉट नाम की जो स्लम है वहां बस्ती है वहां पर हमारा भी घर है और वहां से जब मैं जस्ट मिनिस्ट्री करने गया जा रहा था वो साइड के एरिया में आ, तो वहां से मैं जा रहा था तो वहां पे सब लोग प्रसाद लेकर आए थे आ रहे थे ऐसे दे रहे थे तो मैं भी वह वही पे मिनिस्ट्री के हिसाब से आ, आ रहा था तो जैसे भी मैं वहां पर गया तो वहां के जो मंडल के लोग बच्चे लोग हैं उन्होंने मेरे को देखा और मेरे को देख के वो दूसरे जो वहां के जो लीडर है मंडल के वो उनको बोल रहे अरे ब्रदर को मत दो ब्रदर को जाने दो क्योंकि उनको उनको नहीं देना है अपने को उनको नहीं चलता है अब देखा ना वो कितनी प्रार्थना करते हैं सो फ्रेंड्स मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ कि हम कितने ग्रेट है लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ जो भी हम परमेश्वर के महिमा के लिए प्रभु के गौरव के लिए हम लोग जो भी बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग जो भी करते हैं और प्रभु के परमेश्वर में जो भी हम समर्पित रहते हैं या टिके रहते हैं और जैसे हम टिके रहते हैं परमेश्वर में हम बने रहते हैं और प्रभु के लिए हम हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं सो फ्रेंड्स वो हालात में परमेश्वर जो गौरवशाली परमेश्वर है वो हमारे जीवन में एक ऐसी गवाही करता है एक गवाही खड़ी करता है जिस गवाही के द्वारा लोगों को यानी कि हम का प्रभु का प्यार लोगों को देते हैं परमेश्वर की महिमा लोगों को देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए हम काम करते हैं किसी बैनर के पास नहीं देखते किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं देखते हम प्रभु के पास देख के काम जब करते रहते हैं करते रहते करते रहते हैं और हम हमारा जीवन पवित्र रखते हैं समर्पित रखते हैं सो फ्रेंड्स तब परमेश्वर हमारे अंदर एक मैसेज तैयार करता है और तब हमें 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 जाके सिर्फ रास्ते पे ट्रैक्स बांटने की जरूरत नहीं हो अच्छी बात है तो हम बांटते हैं और वो बांटना भी ठीक है लेकिन फ्रेंड्स ट्रैक्स देने से एकादे को एकादा ट्रैक देना बहुत इजी है लेकिन अपने जीवन को अपने अपने लाइफ को लोगों के सामने उस तरीके से रखना लोगों के सामने उस वो एक एग्जाम्पल बनाना उसके लिए एक समर्पण की जरूरत लगती है और उसमें लाइफ जाती है लेटर का दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स लेटर में एक क्या होती है आपको बताता हूं कि लेटर जो है, वो एक सफर करता है तब वो जाके अपने मुकाम तक पहुंचता है लेटर एक सफर करता है एक सेवक का जीवन सफर करने वाला होता है हमको अलग अलग चीजों से अलग अलग तकलीफों से अलग अलग सफरिंग से हमें सफर करना पड़ता है हमें 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 प्रवास करना पड़ता है और जब जाक, तब जाके हमारे जीवन में एक महिमा परमेश्वर की प्रकट होती है परमेश्वर का गौरव प्रकट होता है फ्रेंड्स टेम्पोर टेम्परली रनिंग बहुत इजी है टेम्परली चलना बहुत इजी है लेकिन जो जो लंबी दौड़ का घोड़ा होता है ना वो ठहरता नहीं है वो दौड़ते रहता है दौड़ते दौड़ते रहता रहता है है आने 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 दो आने दो आने दो संकट मुसीबतें फिर भी वो रहता है। मैं विलियम मुसीबत के बारे में पढ़ रहा था और मैंने देखा कि उन उन्होंने जो ट्रांसलेशन का, का काम किया बहुत तकलीफ हो गई उनके लोगों ने उनको तकलीफ दी सात साल के बाद एक आदमी का उन्होंने बैप्टिजम किया सात साढ़े सात साल के बाद और कई तकलीफ से वो गए कई सफरिंग से हो गए फाइनली उन उसके उनकी जो बीवी थी उसके सर पे इफेक्ट हो गया उसकी बीवी प्रॉब्लम में आ गई फाइनली वो मर गई उसकी बीबी की मौत बॉडी उठाने वाला कोई नहीं था फिर उन्होंने ट्रांसलेशन का जो जो जो, जो एक वर्कशॉप बनाया था एक जगह थी वो जगह को आग लग गई कई लोग उनको छोड़ के चले गए कोई नहीं था फिर भी वो बने रहे वो जीवन का वो सेवक सेवकाई का सफर करते रहे करते रहे और फिर जाकर वो मिशनरियों के पिता कहलाने लगे और 40 लैंग्वेज में 40 लैंग्वेज में उन्होंने न्यू टेस्टमेंट का ट्रांसलेशन किया और वन एक वर्ल्ड में उन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटा और एक तृतियांश वर्ल्ड में प्रभु का गौरव किया हाल सो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि एक सफर होता है लेटर के जीवन में उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि जो पत्र होता है वो पत्र जो होता है उसमें उत्तेजन होता है अगर आपका बेटा या आपका भाई कई गांव में है या दुबई में गया है या कहीं गांव में जाके काम कर रहा है प्रॉब्लम में जा रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे लेटर में क्या लिखेंगे डर मत सब स्थिति थी, ठीक हो जाएगी हिम्मत मत हारना सब कुछ ठीक होगा मेहनत और लगन से पढ़ाई करना या काम करना वर्टेवर जो भी है सो so फ्रेंड्स जो लेटर होता है वो जिसमें एक उत्तेजना होती है उसमें एक एनकरेजमेंट होती है उसमें एक एनकरेजमेंट होती है यानी कि हमारा जीवन अगर एक हमारा जीवन एक लेटर के समान है एक मैसेज है हमारे जीवन में तो हम इन औरों को एनकरेज करने वाले चाहिए औरों को उत्तेजना देने वाले लोग चाहिए मैं प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि एक बच्चा था आ, स्टेशन का केस था उनका हम लोग एडमिशन का काम कर रहे थे और एडमिशन का काम करते करते कई बच्चों लोगों का एडमिशन था लेकिन एक केस ऐसी आई कि वो बेगर लड़का था भिकारी लड़का था पुणे स्टेशन पे बैठता था और उसकी मम्मी से मैंने बातचीत की उसने बोली कि मेरे सॉरी दोनों लड़कों को हमारे आप हॉस्टल में डाल दीजिए फिर हमने उसको हॉस्टल में डालने की पूरी तैयारी की फिर उनको हमारे पास लाया और सब 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 चीजें की स्पॉन्सरशिप वगैरह 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 किया और वो उनकी माँ जो थी वो वही पे बैक करती थी ब, भीक मांगती थी बच्चों की हमने पूरी पर, प, उसका पूरा प्रिपरेशन किया सब कुछ किया फाइनली क्या हुआ कि जब वो सारी चीजें हुई तब क्या हुआ कि स्टेशन पे ने उनको बस में बिठाया और बारामती के लिए कुछ पैसे दे के कुछ सामान दे के उनको बिठाया जैसे बस सिग्नल पे गई वो उतर गए और वापस जाके वहां पर भीख मांगने लगे फ्रेंड्स हमको बहुत दुख हुआ अरे इतना हम कर कर रहे इतने लोगों को मेहनत कर रहे सो so, मेरे मन में एक ख्याल आया कि बाइबल हमें ये बात बताता है ये मसीह का एग्जाम्पल है पेथरस का एग्जाम्पल है पौलुस का एग्जाम्पल है दावित का एग्जाम्पल है अब्राम का अब्जाम्पल है ये सारे लोगों को लोगों ने डिस्टर्ब किया लेकिन बाइबल कहती है वो हमेशा उत्तेजित रहे इसलिए पौलुस फिलिपियो की किताब तीसरे अध्याय में कहता है कि वो बोलता है मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर ध्यान लगाता हूं और ये वचन ने मेरे जीवन को रिवाइव किया उत्तेजित किया मेरे को जैसे दाऊद को दाऊद कैसे खुद को उत्तेजित करता था तो उस उसके तो पर परमेश्वर ने आ, आ, पौलुस ने जैसे अपने आप को so हम लोग डिस्टर्ब होकर बैठते थे तो कुछ नहीं कर पाते थे पर परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूं उसके बाद सैकड़ों बच्चों का परमेश्वर ने पचास से ज्यादा बच्चों का एडमिशन तो फ्री में करवाया कुछ लोगों की तो हम लोग मतलब अलग अलग जगह पर करवाया कुछ लोगों की हम भी ये करते थे फीस वगैरह सो फ्रेंड्स बताने की बात ये है इस 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 गवाही के पीछे ये ये इस चीजों के पीछे एक गवाही ये है कि अगर एक चीज को देखकर हम डिस्टर्ब रहेंगे तो परमेश्वर की दस कामों को शैतान तुम्हारे जीवन में रुकवा देगा इसलिए हमको रुकना नहीं है उत्तेजित होना है और आगे बढ़ना है और प्रभु की महिमा करना है Hallelujah! उसके बाद में थोड़ा और ब्रीफ में फास्ट में जाना चाहता हूँ खत्म करना चाहता हूँ so जो लेटर होता है वो लेटर के लेटर लेटर के बीच में लेटर के ले, लेटर में जो होता है वो अपनापन होता है प्यार होता है प्यार जताया जाता है लेटर से प्यार जताया जाता है हालिया परमेश्वर की इच्छा है फ्रेंड्स कि मतलब मतलब हम, हम हमारे जीवन से लोगों को प्यार दे हम लोगों को प्यार दे सबसे बड़ा धन क्या है आज मैंने लाखों रुपया कमा लिया करोड़ों रुपया कमा लिया बड़ा बंगला कमाया बड़ी गाड़ी कमाई लेकिन मेरे जीवन में औरों के लिए प्यार ही नहीं है मोहब्बत नहीं है कंपेशन नहीं है बोझ नहीं है तो मेरे वो गाड़ी को और वो बंगले का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स सो so, हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हम लोगों से सच्चे दिल से प्यार करें हम अपने 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 लोगों से अपने परिवार से अपने मित्रों से अपने से परिवार मित्रों कलीसिया प्रेयर पार्टनर से सच्चा प्यार करें ये हमारी ताकत है फ्रेंड्स और इसलिए हम ये चीजें हमारे जीवन में रखना जरूरी है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लेटर होता है यहां से लेके वहां वहां से लेके यहाँ ऐसे घूमते घूमते जो जो लास्ट जगह है उसका एंड डेस्टिनी है वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी समय लगता है जिसने भेजा है और जिसको मिलने वाला है उस दोनों के बीच में एक चीज कायम होती है दोनों को पेशेंस रखने पड़ते हैं धीरज रखना पड़ता है सो so फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के लास्ट के पॉइंट पे आके खत्म करना चाहता हूं सो so हम लोग देखते हैं कि एक स्नेल थी जिसको हम गूगल गाय कहते हैं और आपने एग्जाम्पल सुना होगा फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं कि गोगल गाय हिमालय की ओर चल पड़ी और हिमालय की ओर चल पड़ी स्लोली 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 वो हिमालय की ओर जा रही और वहां से एक किंग फिशर बर्ड उड़ के आता है पूरे एप्पल खा खा के वगैरह फिनिश करके आता है और आते आते उसके पास उसके नजदीक आता है और उसको पूछता है कहा जा रही है उसको चिढ़ाते हुए उसको तुच्छ देते हुए कहता है कहा जा रही हो तो बोलती कि हिमालय में एप्पल खाने जा रही हो तो वो बोलता है कि देखो वहां जितने एप्पल थे वो हमने खत्म कर दिए अभी हम लोग अगर बचे कुछ दो चार अगर कुछ झाड़ है उधर के कुछ बचे कुछ अगर आपको खाना है तो वो भी खत्म हो गए क्योंकि आपकी चाल में कोई ताकत नहीं तुम्हारी चाल बहुत धीमी है पोचते पोचते वो भी खत्म हो जाएगी तो स्माइल करती है और उसके पास देखती है और बोलती है भाई साहब थैंक यू आपके सजेशन के लिए लेकिन मैं ये सीजन के लिए नहीं जा रही हूँ मैं नेक्स्ट सीजन के लिए जा रही हूँ और तब मैं जब पहुंचूंगी तब जो फ्रेश सीजन रहेगा सब कुछ आया हुआ रहेगा तब मैं वहां पहुंच जाएगी पहुंच जाऊंगी सो फ्रेंड्स हम लोग इस बात को जानना जरूरी है इस बात को हम लोगों को समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो पेशेंस होते हैं धीरज होता है वो परमेश्वर की इच्छा में काम करता है और प्रभु की महिमा में काम करता है सो so हर चीज के लिए हमको पेशेंस रखना है धीरज रखना है हर चीज के लिए हमको सब्र रखना है और जितना हम सबर रख के काम करेंगे जितना हम धीरज से आगे बढ़ेंगे जितना हम स्लोली स्लोली जाएंगे उतना हम परमेश्वर की महिमा प्रभु का गौरव और परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी हम कर सकते हैं आमेन प्रेज लॉर्ड सो हमें धीरज रखना है हमारे कलीसिया में कितने लोग आ रहे हैं उस वो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स लेकिन हमारा जीवन लोगों के सामने कैसा है वो जरूरी है हम हमारे हमारे हम हम कितने लोगों को रिच कर रहे हैं या कितना बड़ा आ, स्टेज हमारे पास है या कितना बड़ा नेटवर्क हमारे पास है उसको कोई मतलब नहीं है लेकिन लोगों के सामने हमारा जीवन कैसा है उसको इंपॉर्टेंस है द एट लास्ट फ्रेंड्स मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो लेटर है उसका जो एंड होता है एंड उसका जो लास्ट जो पोर्शन होता है वो पोर्शन इस तरीके से होता है वो खुशहाली से होता है हैप्पी एंड होता है उसका Lord, हमारे जीवन का सुबह से लेके शाम तक का सफर कैसा भी हो लेकिन रात को सोते समय या इवनिंग के समय हमने जो भी एक्सपीरियंस हमें, हमें उसका हैप्पी एंड करना चाहिए जैसे हमारे दीदी ने गवाही दी कि मैंने किसी को क्षमा की बाइबल कहता है कि सूरज डूबने से पहले हमें एक दूसरे को क्षमा करनी चाहिए दिन भर जो भी एक्सपीरियंस आए हो तो हमें एट द लास्ट रात को हर चीज का तख्ता हमें पलटना चाहिए हर चीज को हर चीज का पन्ना हमें पलटना चाहिए और एक ऐसा एटमोस्फियर बनाना चाहिए कि जहां पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर सके प्रभु हमसे बात कर सके हमारे प्रार्थना में आराधना में, में मेडिटेशन में परमेश्वर हमसे संपर्क कर सके लास्ट so में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग वो मैसेज है हम लोग वो लेटर है अगर हैप्पी एंड हमारे जीवन में है अगर हमारे जीवन में एंड हो रहा है तो वो हैप्पी एंड जो है वो हमारी ताकत है दूसरे दिन के लिए उसी के साथ कुछ साल चले जाते हैं मिनिस्ट्री में कभी कभी फल नहीं दिखता है कभी कभी चीजें परिणाम कारक नहीं दिखती है बहुत से लोग कभी धोखा देते हैं कभी अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन लेकिन भजन संहिता में लिखा है कि स्तोत्रकर्ता कहता है एक जगह पे कि मैं अपने जीवन के जो दिन बीते हैं उसको पलट कर देखता हूं तो सारी चीजों में एक ही बात को मैं महसूस करता एक ही बात मुझे दिखती है कि मेरे जीवन के लिए भला था परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भला और उत्तम है परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भला है सो so, ऐसा 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 होता ही नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आए दुख नहीं आए तकलीफ नहीं आए So, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखे हम लोग खत्म करते हैं एक सेवक थे और वो सेवक जब प्रार्थना कर रहे थे तो एक बहन प्रार्थना करते करते उनके पास गई और उन्होंने कहा कि पास्टर जी ऐसी प्रार्थना करो कि सब प्रॉब्लम एक ही समय में निकल जाए तो उसने हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू की और कहा कि परमेश्वर अभी 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 की अभी, अभी इसको उठा ले अभी अभी इसको तेरे पास बुला ले अभी क्या अभी इसको मार डाल उसने हाथ हटाया और बोल रही बोली कि जी क्या प्रार्थना प्रॉब्लम तो नहीं है और वो है स्वर्ग अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए लाइफ में अगर आपको समस्या नहीं चाहिए अगर आपको तकलीफों का सामना नहीं करना है आपको फाइट नहीं करना है तो स्वर्ग में जाकर आप रहिए दूसरी सिस्टर थी उसने ऐसी प्रार्थना करने लगाई सेवक को और बोले कि पास्टर ऐसी प्रार्थना करो कि मेरे लाइफ में कुछ भी जो प्रॉब्लम है वो सब के सब एक झटके में निकल जाए तो बोला मैं करूंगा प्रार्थना लेकिन एक शर्त पे प्रार्थना करूंगा कि आप जाओ और थोड़ा सा नमक लेकर आना तो बोले नमक लाना है बस किधर से लाना है तो कोई भी पड़ोसी से नमक लेकर आना तो बोले अभी जाकर लेकर आती लेकिन रुको एक शर्यत है तो क्या शर्यत है ऐसे परिवार से लाना जहां पर प्रॉब्लम नहीं है तो वो गई और बोली कि थोड़ा नमक दो तो बोले हो नमक लेकर जाओ लेकिन रुको रुको आप अगर आपके आपके प्रॉब्लम परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप नमक देना उसने कहा छह महीने पहले मेरा बेटा गुजर गया उसके दुख में मेरा हस्बैंड भी गुजर गया अब मैं अकेली विधवा हूं और कर्जा है इतने प्रॉब्लम्स है और जीने के लिए कोई आशा नहीं है और मैं 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 आपको कैसे बोलूं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं ये इस घर में हर एक जगह पर प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में मेरा लाइफ प्रॉब्लम से भरा पड़ा है वो बोली नहीं चाहिए नमक आगे गई आगे जाने के बाद वहां पर दो लोग मरीज थे वहां पर बैंक के प्रॉब्लम चल रहे थे फिर एक बच्चा उनका जेल में डाला गया था ऐसे करते 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 सब गांव घूम के आई और उसने बोला कि पास्टर आई एम सॉरी मुझे पता चला आप क्या बोलना चाहते हैं आज से मैं प्रॉब्लम को नहीं देखूंगी लेकिन जो प्रॉब्लम में से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है मैं उसको देखूंगी मुझे पता चला है कि दुनिया के लोगों के पास आशा नहीं है लेकिन हमारे पास आशा है सो so, फ्रेंड्स आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं हमारा जीवन एक सेवको का जीवन एक विश्वासी का जीवन एक संदेश है एक मैसेज है course, अपने संदेश का भी बर्थडे है लेकिन मैं आज उसके पीछे की गंभीरता बताने बता 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 चुका हूँ कि हमारा जीवन एक मैसेज है हम क्या बोलते हैं किस तरह बिहेव करते हैं किस तरह बात बात पे झूठी बात करते हैं लोगों को फसाते हैं अगर रॉन्ग हमारी नजर में पाप होगा बहनों के लिए या भाइयों के लिए तो बहुत बड़ा गुना है लोगों को फंसा फंसा के अपने घर भर रहे तो गलत है आपको बड़ा कर रहे तो गलत है सो so, आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि एक न्यू टेस्टमेंट देना बहुत ईजी है लेकिन अपने जीवन से मसीहा को प्रकट करना उसके लिए कमिटमेंट की जरूरत है उसके लिए लेटर में जो क्वालिटी है वो हमारे जीवन में आनी चाहिए सो थैंक यू सो मच हम लोग प्रार्थना में जाएंगे दो मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए मैं विनती करता हूँ अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देगी थैंक यू जी

उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कई भाई है हमारे कई सीएफआई के की अपनी टीम है हमारे सीएफआई की फैमिली है उसमें से भी कई लोग आज तकलीफ से जा रहे हैं पास्टर कूपर है और कई लोग हमारे ऐसे हैं जो अलग अलग दुख से जा रहे हैं कई पासवान लोग हैं जिससे हम लोगों ने चर्चा की और प्रार्थना की लेकिन आज हम एक ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हालात कुछ भी हो परिस्थिति कुछ भी हो हम हमारे जीवन में जो मैसेज है ऋश मसीहा का वो बुझने नहीं देंगे वो दीप को बुझने नहीं देंगे वो ज्वाला को प्रभु हम बरकरार रखे मशाल को बुझने नहीं देंगे परमेश्वर की तरह हालात कुछ भी हो प्रभु हम बने रहेंगे हम खड़े रहेंगे प्रभु हम हार नहीं मानेंगे परमेश्वर हालेलुया कई परिवार हो गए जो बीमारी से जा रहे हैं कई परिवार है फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जा रहे हो गए कई परिवार है अलग अलग स्थिति में से जा रहे हैं लेकिन इन सब चीजों में यीशु मसीह आपके बीच में मैसेज की तरह है संदेश की तरह है सो आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए सारा गौरव परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर को इस गीत के द्वारा धन्यवाद देंगे उपकार तुझे कैसे विश्वरू में परमेश्वर का धन्यवाद कैसे हम भूला पाएंगे मराठी सॉन्ग को गाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हालेलुया हालेलुया